व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज व्लॉग बहुत देर से स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी वैसे टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ और गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सो गाइस, कल का मतलब जो मैं 2 पार्ट में डाला था, उसमें से जो एक है ना, मतलब उसके 2nd पार्ट में वो डाल नहीं पाया, क्योंकि मैं घूमने तो निकल गया लेकिन आधे बीच में आधा मैं मोबाइल लेने ही भूल गया और शूट नहीं कर पाया, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सॉरी गाइस, नहीं डाल पाया। तो चलो अभी वैष्णो देवी का व्लॉग एंजॉय करो। और एक चीज़ और गाइस, कल तो मैं व्लॉग शायद ही अपलोड कर पाऊँगा ऐसे जहाँ तक के है, तो फिर कुछ देर बाद मिलते हैं, तब तक ले बाय। तो गाइस अभी कम से कम बड़े पापा, पापा, खुशी, चिंटू, बड़ी मम्मी, मम्मी, दीप और दादा जा रहे हैं सब लोग। बाकी लोग, नाना, नानी, दादी लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि चढ़ नहीं पाएंगे, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ना। और कैंट एरिया पे हम लोग, बहुत मस्त एरिया है गाइस, बहुत मज़ा आते हैं, हाँ एकदम अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यहीं बस जाए। ये बड़े पापा, बड़े पापा ऐसा देखो, एक बार ऐसे करो, हाँ चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। सो गाइस, इस एरिया पे होती है गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग, अगर पूरे फौज लोग को इधर चलाते हैं, वहाँ से गाड़ी आती है, इस बीच में टनल है मस्त, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे करके, इसमें बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, हल्का से भी टच हुआ यानी फेल। और वहाँ से एक ट्रक आई रही आर्मी वाली, सो गाइस अभी आगे निकल के जल्दी चलते हैं। सो गाइस, ये है 1st गेट और वो है 2nd गेट। जैन सर, जिप्सी तो देखो गाइस यहाँ का। जैन सर चलो। और वो है गाइस आर्मी चौक, यहाँ पर और एक सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं देखिए, और यह आर्मी चौक। और दीप सर और गाइस दीप ऐसा भी आर्मीज को सैल्यूट कर रहे हैं, बढ़िया। वो और एक आ रहे हैं। सो गाइस इस बस में बैठने वाले हैं, हम लोग इस बस से उतर चुके हैं, दूसरे बड़े बस पे जाएंगे। चलो आपको बस पे बैठने ही मिलता हूँ, जम्मू नहीं क्या बोलते हैं उसको, वैष्णो देवी पहुँच के ही मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी, सामने है पहाड़ी, दिखाता हूँ। सो गाइस ये जो लाइट जल रही है वही है पूरी पहाड़ी, अभी रात का टाइम है तो अच्छे से दिख नहीं रहे, और अभी टाइम हो रहा है 8, हम लोग 8 बजे जस्ट पहुँचे हैं। कितना अच्छा जगह दिया है फोटो शूट के लिए, बढ़िया मस्त मस्त यहाँ दुकानें, छोले कुलचे के हैं, पानी पूरी, और सामने है पहाड़ी वो देखो। तो अभी सबसे पहले मेन गेट के पास जाएंगे, थोड़ा चढ़ेंगे, देखेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, मतलब रात का डिनर, सब लोग जा रहे हैं, हाँ ये खुशी, तो आगे जा रहे हैं बड़े मम्मी बड़े पापा लोग, और ये सब होटल है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो शूट की जगह हैं। दीप यहाँ आया और उसकी मस्ती चालू गाइस। सो गाइस यहाँ से मेन गेट तक के हम लोग ऑटो पे जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं बाकी लोग, और यहाँ से चिंटू, दादा, मैं और बड़े पापा ही बैठे हैं अभी। गाइस यहाँ से यात्रा पर्ची ले रहे सबसे पहले, और ये और वो ऑटो में बैठ के आए थे, और मस्त वहाँ है पूरी पहाड़ी। ये देखो टॉप में मंदिर, एक ठोक जो लाइट जल रहा है वो कलर वाला, और एक मंदिर है ऊपर ऊपर में, गाइस पूरे यहाँ से दिखेगा नहीं मंदिर। सो गाइस अभी हम लोग को पास लेने की जरूरत तो पड़ी नहीं क्योंकि बड़े पापा के कोई है वो दे के जा रहे, तो अभी हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। सो गाइस ये नीचे वाला जो रास्ता देख रहे हैं वहाँ से जाएंगे अभी ऑटो, ऑटो पकड़ के या पैदल ही, तो आपको कुछ देर बाद मिलता है। गाइस मेन गेट पे हम लोग आ गए हैं, चढ़ाई शुरू होने वाली है हमारी, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। सोचो इतने टाइम हम लोग अभी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, और फिर वहाँ तक के चढ़ना है एकदम चोटी पे, तो यहाँ से अभी पहले पास वास लेंगे, उसके बाद आपको मिलता हूँ। फाइनली हमारा यात्रा चालू हो चुका है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी हम लोग ये मंदिर पे पहुँचे हैं, गाइस अभी पीछे जो मंदिर है अभी हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, अभी तो बहुत दूर है हम लोग, मुश्किल से अभी ये मान लो शुरुआती हुई, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत ज़्यादा। सामने क्या मस्त व्यू आ रहा है देखो, खैर मोबाइल में तो अच्छे से पता नहीं चल पा रहा होगा यहाँ से, लेकिन ऐसे देखने में बहुत सही व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग अयोध्या कुमारी पहुँचने वाले हैं,
बस है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग इसको अभी स्किप करेंगे, सीधा एकदम मतलब वैष्णो देवी के लिए निकलेंगे एकदम, क्योंकि वापसी में हम लोग अर्धकुमारी घूमेंगे, तो आपको कुछ देर बाद मिलता हूँ। सो गाइस अभी एक भोजनालय से हम लोग खाना वाना खा लिया और अभी टाइम हो रहा 12 बजे हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। तो अभी हम लोग सभी अर्धकुमारी हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, सबसे पहले भवन जाएंगे, सब कुछ घूमने के बाद वापसी में अर्धकुमारी जाएंगे, सबसे पहले अभी भवन चलते हैं। और 12 बज चुके हैं अभी, तो मुश्किल से मतलब हम लोग अभी जितना चढ़े हैं आधे पे आए हैं, 8 बजे से चढ़े हैं 12 बजे तक के अर्धकुमारी, फिर भी अभी ऊपर ही है बहुत, उतना भी नहीं मतलब है अभी ऊपर, पास है बहुत हम लोग, लेकिन अभी स्किप कर रहे हैं, तो अभी भवन में मिलते हैं आपको। सुबह जो उतना ऊपर पे लाइट देख रहे हो जो 2 ठुक जल रहा है वो है भैरवनाथ, अभी वहाँ भी जाना है, वहाँ ही भैरवनाथ का सर कट के फेंकाया था तो वहाँ मंदिर है, और माँ वैष्णो देवी का उधर पद है, तो अभी चलो चलते हैं। सो गाइस अभी मंदिर के हम बहुत ज़्यादा ही करीब है, बारात वाला हम लोग चल रहे हैं बारात। सो गाइस अभी मैं मंदिर का अंदर का तो शूट कर नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल वोबाइल सब जब तो जाता है, तो फिर आपको दर्शन करने के बाद ही मिलूंगा। सो गाइस अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे थे और यहाँ पर एक क्यूट सा मंकी है सबको डरा रहा है ये भाई, कोई डंडा लेके हो दौड़ा उड़ा देगा। उधर भी एक है, वहाँ पर भी एक है, एक है वहाँ पर ऊपर में सोया था, इसका भरोसा नहीं है। सो गाइस इस एरिया में मंकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको दर्शन के बाद ही मिलूँगा। खैर ये चीज़ मैं पहले भी बोला, लेकिन मंकी दिख गया तो फिर बना लिया वीडियो। इसमें नेस्ले कैफ़े का भी ये मस्त शॉप है, पूरा नेस्ले कैफे वैफे का पूरा सामान सब कुछ मिलता है, देखो ये सब गाइस मिलता है। सो गाइस वो है सामने मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है, वो है असली में मंदिर जो चमक रहा है ना एकदम, और इतना तेज हवा चल रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा सीन है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ, बहुत अच्छा अच्छा हवा चल रहा है, आप लोग आसपास का आवाज़ सुन के पता ही लगा सकते हो। यहाँ जगह जगह पे बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो ओरे ओदे है ना, मंकी है गाइस, मंकी इधर देख। सामने है मंदिर बहुत सुंदर से एकदम, ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है गाइस। आपको आगे जाके दिखाता हूँ गाइस, और अच्छा है यहाँ का। और पास आ चुके गाइस हम लोग मंदिर से, मंदिर के एकदम पास आ गए, बढ़िया इतना सुंदर लग रहा है गाइस, फ्रंट गेट देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, पर गणपति पप्पा है यहाँ से गाइस, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बीच बीच में जैसे तैसे व्लॉग कर रहा हूँ। घर पर है पूरा, वहाँ से ऐसे जाना है भी वहाँ पर, तो जैसी मंदिर के एकदम पास होऊंगा मैं व्लॉग करूँगा ही नहीं गाइस, फालतू और डांट कौन सुनना चाहेगा, तो चलो चलते हैं। फ्रंट गेट देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, पर गणपति पप्पा है, और ये तो देखो गाइस कितना सुंदर है। ओम नमः शिवाय। सो गाइस ये सब तो देखो कितना सुंदर से सजा के रखा है, गेंदे के फूल हैं, मोगरे ओगरे के हैं, और यहाँ से ओम लिखा गया है, शिवलिंग बनाया गया है माँ, उधर ओम, और यहाँ ऊपर में भी है गाइस, ये देखो इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ। सो गाइस हनुमान जी का इतना अच्छा सजा के रखा है, क्या थीम दे के रखा है, एकदम मस्त सा। गाइस यहाँ देखो कितना अच्छा सजा के रखा है, ये देखो पूरा ऊपर से देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ, इतना अच्छा सजाया गया है। शुभ नवरात्रि, ये देखो सामने से जाके हम लोग कभी ले ले कुछ। हाँ चलते रहो।
जय माता दी। दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। सो गाइस वहाँ व्लॉग क्यों नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ सब चिल्ला देते हैं। सो गाइस व्लॉग उस मंदिर में मतलब कोई भी गलती से मोबाइल आ गया दिख गया तो फिर उस मोबाइल को जब्त कर लेते छीन लिए उसके बाद फिर दिया नहीं जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा अंदर गया तो मज़ा आया बड़ा एकदम पॉजिटिव फील हो गया। तो बस सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है। तो फिर अगला व्लॉग भैरवनाथ जब हम लोग चढ़ देंगे तब का रहेगा। भैरवनाथ यहाँ से 2.5 किलोमीटर और मतलब ऊंचा है, इतनी ऊंची मतलब लंबी सीढ़ी है। फिर यहाँ से सीधा ये व्लॉग को अब एंड करूँगा, जस्ट वहाँ का व्लॉग शुरू करता हूँ। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करो।